सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 390वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाद। पीछे 14वें अधिकरण तक हम देख चुके थे, पृष्ठ संख्या 290, 15वां अधिकरण प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। देवर्य पृष्ठ संख्या 87-द्विशतम् अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। यथोदितं निर्वर्त न प्रहातव्यम् अस्य बोध। जैसा विधान किया है, यथोदितं जैसा कहा गया या विधान किया गया, उपदेश दिया गया, वैसा निर्वर्त्य पूरा करके इतने पर ही न प्रहातव्यम, छोड़ नहीं देना चाहिए। सिद्धांतिना कथनम अस्ति ना। हाँ, सिद्धांतिना कथनम अस्ति। हाँ, सिद्धांतिका। तो यदि सिद्धांतिना कथनम अस्ति तो तस्य मते तो पृथक अस्ति कर्म। पृथक कर्म कथम भविष्यति? पृथक कर्म के लिए ही कहा जा रहा है। एक काम पूरा हो गया तो बोले पूरा होने पे ऐसा मत सोच लेना कि समाप्त हो गया, इसके साथ ये दूसरी चीज भी करना। यदि कर्तव्य पुनः तो तस्य वो अंग भविष्यति? नहीं नहीं, अलग होते हुए भी हो सकता है। उसका भाग होते हुए भी हम कहते हैं भोजन किया, भोजन के भाग में दाल सब्जी रोटी आदि ये सब चीजें हैं, पूरा भोजन करके फिर कहें कि जी मुखवास, खाना ही खाके मत छोड़ देना, मुखवास भी लेना। अभी मुखवास भोजन का अंग माना जाए या ना माना जाए? अंग नहीं, भोजन का अंग नहीं, भोजन से अलग हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इतना ही मत छोड़ देना, उसके आगे ये चीज और अतिरिक्त जोड़ी गई है। या भोजन करते ही मत उठ जाना, भोजन लेके ही मत उठ जाना, दक्षिणा लेकर के भी उठना। तो भाग भवती भवन। हाँ, तो दक्षिणा को भोजन के साथ जोड़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो भोजन मतलब जो खाना होता है, इसको उदाहरण पे आप ज्यादा मत जाना, ये तो मैं केवल थोड़ा समझाने के लिए जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है वो बोल रहा हूँ अभी उदाहरण, लेकिन जो अलग चीज होती है वो भी साथ में कही जा सकती है। भाई यज्ञ के लिए कोई आए यहाँ पर, बोले यज्ञ करते ही मत चले जाना, सरस्वती भवन देख के भी जाना, ठीक है? अब उसके बाद में वो भी करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो इसका अंग नहीं है, इसका अंग नहीं है, साथ में होते हुए भी अंग नहीं है, अभिप्राय तो यही है इनका। अष्टाशी की पृष्ठ संख्या। प्रथम अनुच्छेद से पंचम पंक्ति। हाँ। एवं चोदक प्राप्तान अन्यान ऋत्युजो बाधित्वा वचन प्रामाण्यात् ते एव भवितुमर्हन्ति। एक मिनट, प्रथम अनुच्छेद से अंतिम पंक्ति अष्टाशीति। अष्टाशीति प्रथम अनुच्छेद से अंतिम पंक्ति। हाँ। एवं चोदक प्राप्तान अन्यान ऋत्युजो बाधित्वा वचन प्रामाण्य एव भवितुमर्हन्ति। तो चोदक प्राप्त अत्र किम् अस्ति? चोदक वचनम को प्रकृति, प्रकृति से प्रकृतिवत विकृति। तो प्रकृति में जो ऋत्विक होते हैं वो सत्र वाले नहीं होते, यानी वो यजमान नहीं होते, प्रकृति के ऋत्विक ऋत्विक ही होते हैं, वो यजमान नहीं होते, वो प्राप्त होंगे। तो एवं चोदक प्राप्तान
अन्यान ऋत्विज बाधित्वा, अन्य ऋत्विजों को बाधित करके, अन्य मतलब ये वो परिकृत वाले यजमान जो नहीं उनको बाधित करके, वचन प्रामाण्यात ते एव भवितुमर्हति, ते मतलब वे सत्र वाले जो ऋत्विक यजमान होते हैं, वास्तव में यजमान भी होते हैं, यजमान होते हुए जो ऋत्विक बने हुए हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। ऋत्विजान कृते पृथक चौदह का वचनम भवति वा प्रकृतिवत विकृति करते? सामान्य प्रकृतिवत विकृति। अग्रिम पृष्ठे द्वितीय परिच्छेद से चतुर्थी पंक्ति, अधस्तात तृतीय पंक्ति, अधस्तात तृतीय पंक्ति, तत्र दृष्टमेव प्रयोजनम्। एक मिनट रुको, द्वितीय अनुच्छेद है, अधस्तात तृतीय पंक्ति, अधस्तात नीचे ही तृतीय पंक्ति। हाँ बता तो। तत्र दृष्टमेव प्रयोजनम् इतरस्मिन् पक्षे, इतर तो अंतिमे अनुच्छेद तृतीय द्वितीय, अच्छा समय है, अच्छा तृतीय द्वितीय, तृतीय तृतीय नहीं, मया पूर्वम भवता क्यों द्वितीय, द्वितीय इति उक्तम ना समय, हाँ तृतीय है। तत्र दृष्टमेव प्रयोजनम्, दृष्ट प्रयोजनम किम वर्तते? तथा ही याग संबंधो बहुनाम न कृतो भवति। पीछे से देखिए, यद्यपि अपूर्वत्वात् अन्यत्र विधिर जायान अनुवादात्, तथापि अत्र अनुवाद एव बहुत्वस्य भवितुमर्हति। तथा ही याग संबंधो बहुनाम न कृतो भवति, तत्र दृष्टम एव प्रयोजनम्, इतरस्मिन् पक्षे बहुत्वस्य याग संबंधे अदृष्टम कल्पनीयम्। एक ही कर सकता है उस काम को, ठीक है, सबकी आवश्यकता नहीं है, तो एक का होना तो दृष्टार्थता है कार्य का होना, और अनेकों को अगर वहां जोड़ दिया, काम तो एक ही से हो सकता है लेकिन अनेकों को जोड़ा, तो अब यहां अदृष्टार्थता होगी। तो तदिष्टम एव प्रयोजनम इतरस्मिन् पक्षे, इतरस्मिन् पक्ष क्या हुआ, अनेकों को बहुत्वस्य याग संबंधे, अनेकों को अगर आपने उससे जोड़ दिया तो अदृष्टम कल्पनीयम स्यात्, अदृष्ट कल्पित करना पड़ेगा, गौरव आएगा, अनिष्ट होगा। जब एक ही से करता है, कर सकता है, एक एक करके कर सकते हैं उसको, तो एक एक करके जो करना है उसमें दृष्टार्थता ये है, वो कार्य का होना बस। यदि एक एक न भवति पुनरपि एक न अभी समाप्तम भवति पुनः अन्य न अभी भवति तत्रापि स एव दोष भविष्यति, उसमें क्या दोष आएगा, सबको करना है, बहुवचन है ना वहां पर जी। बात तो ये थी, है तो सब करना तो सबको है, पूर्व पक्षी कह रहा था मिल के करना है, सिद्धांत कह रहा है सबको करना है, एक एक को करना है, तो सबको तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुवचन है वहां पर। बात इतनी सी है कि मिलके करना है या अलग अलग करना है, तो आप जो कह रहे हो कि एक एक करेगा तो भी यही दोष आएगा, क्या दोष आएगा, एक ने वो कार्यम समाप्त नहीं, अन्य तो वचन प्रमाण है बहुतों को करना है, नहीं तो वहां एक ही वचन होता, एक से कृतार्थता नहीं हो रही है वहां पर, सबको करना है। द्वितीय अनुच्छेद से चतुर्थी पंक्ति उपरिष्टात, उपरिष्टात एक एक उदवसातार को अभिप्राय भविष्य एक 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 कथम रूपम अस्ति, एक एक पने से भी वो उसको समाप्त करने वाले हैं, अनेक हैं लेकिन एक एक जना समाप्त कर रहा है उसको, समाप्त करने वाले जो हैं वो एक एक करके करने वाले हैं, ऐसा कर रहे हैं। एक एक स्य भवति, एक एक स्य भवति,
दृश्यो कथम निकलो, नहीं शे नापी जो है ना, ये शे प्रत्यय हुआ हुआ है भाव में, आदि अच वृद्धि भविष्य आदि अच वृद्धि भविष्य पुनः एक ही कश्ये न आदि अच को वृद्धि, तो मैं तो इसको गुणवचन ब्राह्मण आदि भय कर्मणि इससे शय प्रत्यय भाव में एक ही, मतलब एक ही कश्ये न ऐसा कह रहे हैं आप, एक ही शय आदि अच को वृद्धि, नहीं तो फिर यित नहीं करें, कुछ और करना पड़ेगा, एक ही कश्ये एक एक पने से कहना तो ये चाहते हैं, पन यानी भाव अर्थ ले रहे हैं, भाव अर्थ में प्रत्यय लाना होगा यहां पर, एक ही कश्ये नापी च उदव सातारः, ये समाप्त करने वाले एक एक करके भी समाप्त करने वाले होते हैं, इसने भी समाप्त किया, उसने भी समाप्त किया, उसने भी समाप्त किया, ऐसे करके बोल रहे हैं, तस्मात् तेषां तथैव यानी एकैकस्येन यागो भविष्यति, ये हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांत ने कहा, एवं अपि न दोषः, ये वास्तव में सीधे सीधे वैसे उत्तर नहीं है, ये मान करके उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि पहले उत्तर तो दे ही चुका पूर्व पक्षी ने, क्या कहा था इसी अनुच्छेद में दूसरे के प्रारंभ में, आह बहुसंयुक्तः प्रयोगः एकैकेन न शक्यते कर्तुमिति, याग के लिए पूर्व पक्षी को पहले ही कह दिया था कि एक एक करके भी कर सकते हैं, बहुवचन प्रयोग किया हुआ है, तो नहीं तो कोई बाधा नहीं हुई कि सबको ही, तो एवं अपि न दोष है, ऐसा मानो तो भी दोष नहीं है उसके लिए, नात्र बहुवचनम विधीयते, बहुवचन की विधि नहीं की जा रही है, ये सत्रात उदव सातारः तेषाम एव यागः, बस उनका याग है, तो उसका बहुत्व की विधि नहीं की जा रही है, बस उनको अनुवाद किया जा रहा है कि जिन्होंने उदवसान किया था, समाप्ति की थी, उनका ये याग है, अनुवाद करके बहुत्व की विधि नहीं की जा रही है, ये सत्रात सत्रात उदवसाता रह तेषाम एव याग ते च बहव तेषाम बहुनाम अत्र प्राप्तानाम अयम अनुवाद, तो वहां से प्राप्त थे और यहाँ बस अनुवाद किया जा रहा है, यानी विधि नहीं है इनकी, बहुत्व की विधि होती तो फिर भी सोचते एक साथ करें, बहुत्व की विधि नहीं है यहाँ पर, और वो सब उदवसाता कैसे हुए सारे, एक ही कश्ये नापि च ते उदवसातारः, एक एक करके वो सबको समाप्त करने वाले हुए माना जाता है, इन्होंने समाप्त कर दिया, भले ही वहाँ पर कोई एक समाप्त कर रहा हो तो भी सबका ही माना जाता है कि भाई इन्होंने समाप्त कर दिया, और अपने अपने कर्म का समापन सब करते ही हैं, जिन जिन का जो जो कार्य था उसको समाप्त करते ही हैं, एक ही कश्ये नापि च ते उदवसातारः, तस्मात् तेषां तथैव यागो भविष्यति, सबके कर्म नियत होते हैं, उन उन कर्मों को एक एक करके वो समाप्त करते हैं, वो उसको समाप्त कर रहा है, वो उसको समाप्त कर रहा है, वो उसको समाप्त कर रहा है, इस रूप में उनका सबका वो सब समाप्त करने वाले हैं, ये देखा जा सकता है, इसे यद उक्तम भवति दृष्ट प्रयोजनम इसे, हाँ एकेन संभव तदर्थम दृष्ट प्रयोजनम, तो बहुवी अभी तो संभव नहीं, संभव न संभव थी अधिका भवंती, रोटी बेलनी है, एक तवा और एक चकला है, और कई जनों को वहाँ पर कह दिया भाई बेलो, ये सब जने होने चाहिए, अभी सब जने क्यों, रोटी तो एक ही बेलन और एक ही चकला है, वो एक ही करेगा, एक की तो दृष्टार्थता है, अनेक का है तो रोटी बेलना प्रयोजन नहीं हुआ, फिर दूसरा कुछ ना कुछ प्रयोजन मानना पड़ेगा, देखने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं, वो सरकारी जो काम होते हैं ना, काम करने वाले रहते हैं उसके ऊपर एक जने को और वहीं बैठा के रहते हैं, वो खाली बैठा रहता है, वहीं लगभग खाली रहता है, कोई समस्या आई तो बोलता है, नहीं तो खाली ला रहता है, बाकी सब बैठे बैठे काम करते रहते हैं, वहाँ तो दृष्टार्थता हम देख सकते हैं कि भाई इनकी समस्याओं को सुलझाना, वो नहीं कर पा रहे हैं तो निर्णय करना इत्यादि, बाकी बैठा है वो, लेकिन यूं ही हो और कोई प्रयोजन नहीं है तो यूं लगेगा ना भाई क्यों क्यों, आचार्य जी पृष्ठ संख्या 285 में 39वें सूत्र का भाष्य की पहली पंक्ति, सत्रात उदवसाय पृष्ठ समनीयेन ज्योतिष्टोमेन सहस्र दक्षिणेन यजेरंतो, इसमें जो उदवसाय जो क्वा प्रत्यंत शब्द है, और दूसरा अगले पृष्ठ में
भाष्य की तीसरी पंक्ति ऊपर से अग्निम चित्वा सौत्रामण्य यजेत, तो यहाँ पर इन्होंने इन दोनों क्त्वा प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ इसमें बताया है। परंतु जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था कि अग्निम जैसे यज्ञ करके सरस्वती भवन देख करके जाना है, तो वहाँ पर भी जब हम क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे अंगांगी भाव हो ही ये तो निश्चित नहीं होता है। नहीं होता जहाँ पर क्त्वा प्रत्यय होता है, नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जो सिद्धांती ने कहा कि अग्निम चित्वा सौत्रामण्य यजेत, यहाँ से तो हमें ऐसा पता लगता है कि केवल अग्नि चयन करके ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सौत्रामणि भी करना चाहिए। वहाँ तो अंग भाव लग रहा है। हाँ, तो वो अंग भाव तो क्त्वा प्रत्यय से तो नहीं आएगा। दोनों ही उसको साथ में लेना पड़ेगा और चीजों से। यहाँ जो मुख्य उदावसान था इसमें तो अनंगत्व कर ही रहा है, यहाँ क्या है कि केवल अग्नि का चयन करना अपने आप में कोई उस तरह से कर्म नहीं है। यजेता अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता, यजन एक कार्य जो कि फल वाला है, उतना ही है। वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इति, केवल इससे नहीं होगा। ठीक है, वो दूसरी चीजें भी साथ में देख ही रहे हैं, अन्य वर्णन आदि जो है उसको भी साथ में देख ही रहे हैं, देखना ही पड़ेगा। कहना है कुछ? हाँ, इसके संबंध के लिए तो अलग से वाक्य भी पढ़ा गया है 40वें सूत्र के भाष्य में, चौथी पंक्ति जो है, यथोक्तांगम कृत्वा नैव संतोष्टव्यम इदम अपरम तस्य कर्तव्यमिति, संबंध बनाया गया है। और वैसे भी यहाँ ये जो उदवसान शब्द है इसको इन्होंने यौगिक अर्थों में खोला भी है 40वें सूत्र के भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में, उत्पूर्वस्य अवपूर्वस्य स्यतेः प्रहाय इत्यर्थ। इसका स्पष्ट अर्थ यहाँ पर त्याग लिया ही है, ये उसे संबंध नहीं कर रहा है, इसकी विभक्त चोदना को दिखा रहा है यहाँ समाप्त करके उसको। केवल कत्वा से नहीं है, ठीक है, उदवसाय शब्द से। यहाँ पर जो चित्वा चयन करके, चयन करके तो बस क्रिया होगा, इसमें समापन नहीं आ रहा है, और उदवसाय में समापन आ रहा है। ये कत्वा प्रत्यय है लेकिन समापन भी साथ में वहाँ पर प्रकृति से आ रहा है, धातु से। ये बात बिल्कुल ली जा सकती है, और ये इन्होंने कहीं से लिया होगा, तत्र एवं श्रूयते वही यथोक्तम यथोक्तांगम कृत्वा नैव संतोष्टव्यम, केवल क्त्वा से नहीं। हाँ ठीक है जी, ये तो इसका तात्पर्य अर्थ लिखा है कि अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत, इसका जो तात्पर्य क्या है तो कह रहे हैं कि तत्र एवं श्रूयते यथोक्तांगम कृत्वा नैव संतोष्टव्यम, ये कहीं श्रुति का वचन हो ऐसा तो नहीं लग रहा इसमें। नहीं, तत्र एवं श्रूयते मतलब इस श्रुति में अग्निम चित्वा सौत्रामण्य यजेत, इस श्रुति में ऐसा सुना जाता है तात्पर्य के रूप में। उदवसाय इससे भी ले सकते हैं हम, अवसान में भी। ठीक है, ये तो कोई स्पष्ट लिखा ही है, फिर आगे भी लिखा ना, इह पुनः सत्रम उत्सृज्य उदवसानीय कर्तव्य है। सत्रम उत्सृज्य ना, ये जो तात्पर्य निकल के आ रहा है ना, वो वहां पर उदवसाय उसका ही ये अर्थ लिया है इन्होंने, सत्रात उदवसाय। दूसरा सत्रात वहां पर पंचमी भी है, सत्रात पंचमी है, और यहां पर क्या है अग्निम चित्वा, यह द्वितीय विभक्ति है, और वाजपेयेन इष्ट्वा यहां तृतीय विभक्ति है। इससे भी हमें अंतर पंचमी के कारण से वहां पर कुछ अलग, उससे अलग होने के अंतर हम उस अर्थ को ले सकते हैं, ये भी अंतर कर सकते हैं। हाँ, तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 290, मीमांसा दर्शन 10वां अध्याय द्वितीय पाद और 15वां अधिकरण। शीर्षक है कामेष्टौ दानस्य अदृष्टार्थत्वाधिकरणम्। कामेष्टि में दान के अदृष्ट प्रयोजन वाला होने से, अदृष्ट प्रयोजन वाला होना ये सिद्ध करेंगे। दान शब्द है तो भी वो परिक्रय के लिए नहीं हो रहा है, वो अदृष्ट के लिए हो रहा है। ये तो दान शब्द के कारण से उसको परिक्रय का माना जा सकता था, मानना चाहिए था,
लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है वो, फिर भी वो परिक्रय के लिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसमें अन्य कारण बनते हैं। तो केवल दान शब्द से या दा धातु को देख करके या दक्षिणा शब्द को देख करके ही निर्णय नहीं हमें हर जगह कर सकते। यदि उसका बाधक कोई तत्व वहां और दिखाई दे रहा है तो दान और दक्षिणा अर्थ भी वहां पर परिक्रय के लिए नहीं होगा, वो गौण अर्थ में आएगा, मुख्य अर्थ में नहीं आएगा। बाधक नहीं होना चाहिए कोई आसपास में, तो वो दान के लिए परिक्रय के लिए होगा। इसलिए अपवाद स्वरूप ये आगे का दे रहे हैं। 44वां सूत्र है कामेष्टौ च दान शब्दात्। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कामेष्टि में परिक्रय के लिए होना चाहिए क्योंकि वहां पर दान शब्द है। अस्ति सारस्वते सत्रे कामेष्टि। सारस्वत नाम का सत्र है और उसमें एक कामेष्टि है, उसके लिए आगे वचन है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्लाक्षम प्रश्रवणम प्राप्य अल्पविराम अग्नये कामाय अष्टाकपालम पुरोडाशम निर्वपन्ति। पुरोडाशम के बाद अल्पविराम है, वो हटा लीजिए। पुरोडाशम निर्वपन्ति तस्याम अश्वाम पुरुषीम च धेनुके दत्वा प्रति यमुनाम अवभृतम अभ्यवयंती। अंत का जो न है वो हटा दीजिए, अभ्यवयंती इति। इसमें अवृत के लिए, अवृत हेतु जाने से पहले का ये प्रसंग है, वहां पर ये दिया जाता है। तो प्लाक्ष प्रश्रवण को प्राप्त करके अग्नि के लिए, जो कामाय कामना के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करता है और उसमें दक्षिणा क्या देता है? तस्याम अश्वाम यानी घोड़ी देता है, पुरुषिम यानी स्त्री को देता है, मानुषी मानुषी को देता है, पुरुषी पुरुषी देखो स्त्री के लिए शब्द आया यहाँ पर, पुरुष और पुरुषी मतलब पुरुष और स्त्री बोलते हैं लेकिन पुरुषी स्त्री के लिए आया है। हाँ, दान देना है। हाँ, वैशेषिक के अनुसार द्रव्य ही है कौन सी आपत्ति है अब इन्होंने द्रव्य शब्द बोला था जो जड़ वस्तुएं होती है ना उसके संदर्भ में, भाव तो आपका यही था, लेकिन चूंकि आपने द्रव्य शब्द बोला था, जैसे द्रव्य होता है भाई, पुस्तक द्रव्य है, रोटी द्रव्य है, कपड़ा द्रव्य है, ऐसे मतलब लेन देन की वस्तु, बोले तो स्त्री को वस्तु मान लिया, फिर वस्तु का मतलब लेन देन की वस्तु मान लिया। तो कन्यादान नहीं करते हैं क्या? कन्यादान नहीं करते हैं, हैं? आदान होता है, आदान होता है या दान होता है? क्या कन्याओं को? हाँ, कन्यादान शब्द ठीक नहीं है। अच्छा, वो क्या कहना चाहिए उसको? क्या क्या कहना चाहिए उसको? मतलब कन्या के साथ में जो दूसरी चीजें दहेज आदि दिए जाते हैं उसका निषेध कर रहे हो या कन्या के देने का ही निषेध कर रहे हो? या जो कन्या को दिया जाता है मतलब विवाह के समय दिया जाता है उसको कन्यादान नाम नहीं देना है, क्या तात्पर्य है? कि उस वधू को या उस लड़की को, कन्या को, उसको जब पति के घर भेजा जाता है या पति से विवाह किया जाता है तो उसको दान नहीं कहते हैं। यदि कन्या स्वयं वृणोति पतिम, हाँ, वेद मंत्र में अस्ति नहीं, लेकिन सारे विवाह स्वयंवर ही होते हैं क्या? यदि स्वयंवर नास्ति तो जब ठीक है, जब स्वयंवर है उस समय मत करो उसको लेकिन आप तो ऐसे व्याप्ति बना के बोल रहे हो कि वो तो स्वयंवरती है। भाई स्वयंवरती है तो स्वयंवर वाले ब्राह्मण विवाह में हो जाएगा, अन्य विवाह में पिता कन्या का पिता वो देता है, लेकर के भी देता है, दे करके भी देता है, वो सब दूसरे तरीके हैं, बलात् भी होता है, जो भी है। तो वो जहाँ दान है वहाँ दान, जहाँ लगता है वहाँ लग जाएगा, स्वयंवर है तो मत कहिए दान। आचार्य वर्य अत्र विवाह स्वयं मरणम नवावती तत्रापि
विवाह संस्कारम यदा भवति तत्र तो एवमेव अस्ति क्या वर्णन करोति एव आत्मनम आद्यम सर्वम दीयते नहीं वो सब होता है लेकिन एक स्वयंवर शब्द होता है कि कन्या स्वयं वर्ण करती है यदा चयनम इसे वर्तते तत्र स्वयंवर अर्थ भवन्तः कुर्वन्ति परंतु अन्येषु अपि विवाहेषु यदा चयनम केनापि कृतम परंतु तत्रापि कन्या एव वृणोति चयनम इसे स्वयंवर अस्वयंवर तो भवितुम अर्हति परंतु विवाह संस्कारम यदि भवति वैदिक रीत्या तत्र तु कन्या एव वृणोति अन्यथा न वक्तुम अर्हम तो कन्या अपनी इच्छा से वरण करती है एक है कि माता पिता के कहने से वो अपनी इच्छा बना लेती है और फिर वरण करती है तो दोनों में अंतर हो गया ना तो अपनी उसकी इच्छा ना होते हुए भी और चूंकि औरों की इच्छा है इसलिए वो अब स्वीकार कर रही है ये अंतर बनेगा जहां भी घटे तो ये दान इसको दान नहीं दें तो दान नहीं कहें तो क्या कहेंगे चलो दान नहीं कहें दान किसे कहते हैं अपने वस्तु को दूसरे को देना तो आप तो यह तो कहो कि भाई जो कन्या है वो माता पिता का धन थोड़ना है इसलिए वो दे ही नहीं सकते इस रूप में यदि एवं भविष्यति पुनः पत्नी दानम अपि भवितुम् अर्हति यथा युधिष्ठिरेण कृतम् द्यूत कृतम् उसके लिए निषेध किया है ना उसके लिए निषेध किया मीमांसा में आ ही चुका है इन चीजों का दान नहीं कर सकते आप इनको आप यज्ञ में नहीं कर सकते दान नहीं कर सकते इन चीजों का निषिद्ध है फिर भी किसी ने किया तो उससे विधान थोड़ा हो जाता है कन्यादान नहीं इसमें चलो उस भावना से उस शब्द की दृष्टि से है तो और कुछ कह लो उसको अब यहां जो है वो यहां देख लेते हैं वहां जो भी है होगा कथम अस्ति तत् न अवगम्य देखिए तस्याम अश्वाम उसमें घोड़ी को पुरुषीम मानुषी को चाहे धेनु के दत्वा और दूध देने वाली गायों को दो को दे करके प्रति यमुनाम यमुना के प्रति नदी की तरफ अवभृतम अभ्यवयंती अवभृत के लिए जाते हैं तो ये चीजें वहां पर दी जाती हैं ये चीजें वहां पर दी जाती हैं उपनिषद में भी आता ही है तो वो अपनी पुत्री को देता है वहां देने के लिए प्रस्तुत करता है कवच एलोश वैक्को मुनि वाली घटना है तो वो इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी कन्या को भी देता है जहां भी घटता है वो उचित है अनुचित है कि कलक विचार का विषय हो सकता है लेकिन वो उसने प्रस्तुत कर दिया हाँ यहां अधिकरण में अदृष्टार्थत्व अधिकरण है ये हाँ। और अदृष्टार्थता वहां मानी जाती है जहां सीधा सीधा अभिधा से नहीं लग रहा अभिधा से नहीं लग रहा सार्थक नहीं होता है यदि यहाँ ये स्त्री शब्द है ये सार्थक नहीं हो रहा होगा इसीलिए ये दृष्ट बन सकेगा अभी ये चर्चा तो अभी चलेगी आगे कि दृष्टार्थता है या नहीं है क्यों है देखो लेकिन वचन यही है कि उसको दे करके तत्र संचय है किम परिक्रयार्थम इसके बाद में एक वाक्य जोड़िए नीचे लिख लीजिए अलग से किम परिक्रयार्थम दानम उत नीचे लिख लीजिए लंबा वाक्य है छूट गया है दानम उत धर्म मात्रम इति पूर्ण विराम किम परिक्रयार्थम दानम उत धर्म मात्रम इति दानम उत धर्म मात्रम इति पूर्ण विराम आगे लिखिए पृष्ठशमनीय च सत्रस्यानंगभूते सत्रस्यानंगभूते पृष्ठशमनीये च सत्रस्यानंगभूते परिक्रयार्थम् हो गया बस इतना तो यहां नीचे लिखा तत्र संशयः किम परिक्रयार्थम् दानम् उत धर्ममात्रमिति ये जो दान है ये परिक्रय के लिए है या धर्म मात्र के लिए है आगे पृष्ठशमनीय च सत्रस्य अनंग भूते पृष्ठशमनीय जो पीछे अधिकरण आया था वो जो सत्र का अनंग भूत था पृष्ठशमनीय च सत्रस्य अनंग भूते परिक्रयार्थम दानम इत्युक्तम वहां पर तो परिक्रय के लिए दान कहा गया था पीछे हम देख करके आए अनंग भूत में
अथेदानिम अंगभूतायाम कामेष्टौ चिंत्यते। अब यहां पर ये जो कामेष्टि है ये अंगभूत है, उसमें ये विचार किया जा रहा है कि ये जो दान है दत्वा ये परिक्रय के लिए है या धर्म मात्र है। तत्र किम तावत प्राप्तम, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो कहता है यथा पृष्ठ शमनीय परिक्रयार्थम एवं इहापीति च शब्देन अनुवादिष्यते। तो जैसे पृष्ठ शमनीय में परिक्रय के लिए था उसी प्रकार से यहां पर भी च शब्द से यहां पर अनुवादेश माना जाएगा। तस्याम अश्वाम पुरुषीम च धेनुके दत्वा, ये जो च शब्द से ये अनुवाच्य ले रहे हैं इनको भी देना चाहिए। कुतः दान शब्दात, दान शब्द है यहां पर, दान शब्दात ये सूत्र का अंश है, इसी को आगे खोल रहे हैं। दान शब्दो भवति, क्या है दान शब्द उसको उद्धृत कर रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए। तस्याम अश्वाम पुरुषीम च धेनुके दत्वा, बंद कर लीजिए, ये दत्वा शब्द पे केंद्रित है। इति दान शब्द कर्मकरेषु सत्सु परिक्रयार्थम इत्युक्तम, ये जो दान शब्द है कर्म करके होने पर, कर्मचारी के होने पर परिक्रय के लिए होता है ये कहा गया है, तो यहां पर भी होना चाहिए, दत्वा को केंद्रित करके कह रहा है। न चैतत् सत्रम, और ये सत्र भी नहीं है, ये आपत्ति ये आती कि भाई सत्र होता, भले ही दत्वा शब्द है दान शब्द है लेकिन अगर ये सत्र हो तो दान का मतलब वहां पर परिक्रय के लिए नहीं हो सकता है दान शब्द होते हुए भी, क्योंकि हमें पता है कि सत्र में जितने ऋत्विक होते हैं उनका खुद का होता है वो यजमान होते हैं, तो परिक्रय की बात ही नहीं है वहां पर ये कह रहा है न चैतत् सत्रम। कोई ऐसे कल्पना करे कि भाई ये सत्र है इसलिए तो यहां पर दान के लिए नहीं हो सकता है, परिक्रय के लिए नहीं हो सकता है दान, तो कहता है ये तो सत्र है ही नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है ये न चैतत् सत्रम, मैं फिर क्या है ये सत्रस्य अंगभूतम एतत्, ये सत्र का अंग है। अब रख रहा है पूर्व पक्षी अपनी बात, आपको पसंद आए या ना आए, ये तर्क तो आएगा ही ना कि जो सत्र का अंगभूत है वो सत्र ही तो कहलाएगा, और अंग सहित ही तो सत्र का कथन होता है, और जो उसमें यजमान होते हैं ऋत्विक होते हैं उनकी कर्तव्यता कर्तृता वो न केवल प्रधान के लिए होती है अंग सहित प्रधान के लिए होती है, पहले भी आ चुका है, पर पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। न चैतत् सत्रम, सत्र से अंगभूतम एतत् प्रकरणाच्च सत्र से स्वयं कर्तृकता न अंगानाम। अभी कह रहा है कि अंगों की स्वयं कर्तृकता क्यों नहीं है, बोले प्रकरण से तो सत्र का प्रकरण था तो सत्र की ही स्वयं कर्तृकता होगी, न अंगानाम, अंगों की स्वयं कर्तृकता नहीं होगी, उसके लिए तो दूसरे हो सकते हैं, तो दान के लिए हो जाएगा। तच्चोदक प्राप्त ऋत्विक भी ही सगुणम सत्र से वह उपकारकम भवती। और प्रश्न ये आएगा कि भाई ये जब सत्र का अंग है आपने ऋत्विक तो दूसरे ले लिए तो इसकी उपकारकता सत्र के साथ जुड़ के होगी या नहीं होगी, उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। तच्चोदक प्राप्त ऋत्विक भी सगुणम सत, तत् का मतलब है ये कामेष्टि, चोदक प्राप्त ऋत्विक यानी जो वास्तविक ऋत्विक हैं उनके वो अतिदेश से प्राप्त हैं उनसे ये सगुण हो जाएगा यानी काम पूरा हो जाएगा, बिना मनुष्य के होता नहीं है, तो सगुणम सत सगुण होता हुआ सत्रस्योपकारकम भवती, औ की जगह ओ, सत्रस्य उपकारकम भवती, ये सत्र का उपकारक हो जाएगा सगुण होता हुआ। अन्य ऋत्विक फिर बिना विगुणम सत्रस्य नोपकुर्यात, और अगर अन्य ऋत्विक नहीं होंगे तो ये विगुण होता हुआ सत्र का उपकार नहीं कर पाएगा। तस्माद अत्र दानम परिक्रयार्थम इति, इसलिए दान है परिक्रय के लिए है, अन्य ऋत्विक चाहिए यहां पर, ये मान के कथन किया पूर्व पक्षी ने। उत्तर दे रहा है सिद्धांति 45वां सूत्र, वचनम वा सत्रत्वात्, बोले इसमें तो वचन है ये सत्र है। वा शब्दात पक्षो व्यावर्त्यते, पूर्व पक्ष को हटा दिया, नात्र परिक्रयार्थम दानम धर्म मात्र में थी, परिक्रय के लिए नहीं है केवल धर्म मात्र, कुतः तो हेतु है सत्रत्वात्, क्यों सत्र होने से कि सत्रेषु आनतिर निर्वृत्ता निवृत्ता, सत्र में आनति यानी परिक्रयता झुकाना ये तो निवृत्त है, वहां प्राप्ति ही नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है आह नैतत् सत्रम सत्रस्यांगम इत्युक्तम, अभी तो कहा था मैंने ये सत्र नहीं है सत्र का अंग है, तो सिद्धांत कह रहा है उच्यते न सत्रम, ठीक है सत्र नहीं है, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, सत्रांगम तो सत्र मध्य पतितम, लेकिन सत्रांग है लेकिन सत्र के बीच में तो है ये, सत्र से च सांग से स्वयं कर्तृकता,
और सत्र की स्वयं कर्तृकता जब कही जाती है तो केवल सत्र की ही नहीं होती, सत्र की स्वयं कर्तृकता सांग की होती है, अंग सहित की होती है। तस्याम क्रियमाणायाम सिद्धा अस्या इष्टेह कर्तारः, और इसके जब ये सत्र किया जाएगा, ये किए जाने पर इस इष्टि की ये कर्ता भी सिद्ध होते हैं। अस्या इष्टेह कर्तारः सिद्धा, इस इष्टि के कर्ता कौन है? वही है जो सत्र के कर्ता है, यानी स्वयं कर्तृकता आएगी यहाँ पर भी। तत्र आनत्या न प्रयोजनम, इसलिए यहाँ आनति झुकाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। श्रूयमाणम तु दानम धर्म मात्रम भवितुमर्हति इति, और ये दान सुना जाता हुआ केवल धर्म मात्र के लिए होगा, वास्तव में नहीं होगा, इनके अपने लिए ही है, बस औपचारिकता में ये दिया जाता है, वास्तव में नहीं दिया जाता। आजकल कंपनियों में जो मालिक होते हैं, जो अपने को मालिक भी कहते हैं, वो भी वेतन लेते हैं, तो मालिक को वेतन लेना चाहिए क्या? मालिक तो मालिक है, उसको वेतन होता है क्या? जो सब है बचा हुआ उसी का ही है। लेकिन आजकल जैसा चलता है तो मालिक भी एक पद पे होता है और वो बड़े बड़े वेतन लेते हैं, क्योंकि वेतन लेते हैं तो वो कंपनी के उसके खर्चे में दिखाते हैं, फिर अब वो आय में नहीं माना जाएगा, वो कंपनी की आय में नहीं माना जाएगा। उसने जो वेतन लिया है उस वेतन पे कर देगा वो, ठीक है उसकी व्यक्तिगत आय हुई, लेकिन वो कंपनी की आय में नहीं माना जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अंतिम जो लाभ होता है वो सब इनके खर्चे वर्चे मिला मिलू के सुविधाएं, फिर जो बचा वास्तव में बचा क्या वो बचेगा, फिर उस पर फिर वैसा लगता है। आगे 16वां अधिकरण, वैश्वानरेष्टो द्वेष्य संप्रदानक दानस्य अतिष्ठार्थत्वाधिकरणम्। वैश्वानरेष्टि में द्वेष्य संप्रदानक, यानी द्वेष्य को दिया जाने वाला, द्वेष्य मतलब जो द्वेष के योग्य है, यानी शत्रु हमारा, उसको भी दिया जाता है। द्वेष्य संप्रदानक दानस्य, उस दान का, वो दान क्यों दिया जाता है? तो बोले अदृष्टार्थ, वो अदृष्ट के लिए है, झुकाने के लिए, आनति के लिए नहीं है। देखो ये भी एक प्रायश्चित है, दान के, दान जो है ना वो शत्रु को दिया जाता है, देना है, प्रायश्चित करना है तो शत्रु को देना है। ये छोटा दंड है, बड़ा दंड है? एक तो है कि भाई आपको प्रायश्चित है कि आप इसका दंड है, तो अपने लोगों को, मित्रों को, इष्ट मित्रों को दे देगा वो चीजों को, नहीं ये आपके, आपको अपने शत्रुओं को देनी पड़ेगी ये चीजें। दान देना है आपको तो आपको शत्रुओं को देना पड़ेगा, और शत्रुओं को देने में हमारे को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि तो इसमें दो हानियां होती हैं, दुगनी, दुगना अंतर पड़ता है। अपने पास से तो चीज गई है और उसके पास पहुंच गई, अगर हम अपने ही व्यक्ति को देते तो ठीक है, हमारे पास कम होती है, हमारे अपने वाले के पास है, लेकिन वो हमारे शत्रु के पास तो नहीं जाती, तो शत्रु के पास जाती है तो दुगना अंतर पड़ जाता है, इधर से एक मत कम हुआ और उस पक्ष में गया तो अंतर दो का पड़ जाता है, तो दुगना दंड होता है। हाँ, और अपमान भी होता है उसका एक तरीके से, मान सम्मान में देना पड़ेगा उनको, आपको शत्रुओं को देना पड़ेगा। ले सकते हैं वो भी, हाँ ने दुगना अंतर पड़ता है। तो इसमें देश्य संप्रदानक दानस्य, देश्य को दिए जाने वाला जो दान है उसका अतिष्ठार्थता सिद्धांति बता रहे हैं। भाष्य, देश्य च अचोदनात् अल्पविराम दक्षिणापनयः स्यात्। तो देश्य के लिए जो है उसका कथन न होने से, अचोदन होने से, यदि नहीं तो क्या होगा, दक्षिणापनय स्यात्, अगर उसको दिया जाए ऐसा माने तो जो दक्षिणा है जो प्रकृति से प्राप्त हो रही है उसका अपनय हो जाएगा, वो हट जाएगी, फिर वो नहीं हो पाएगी। स्पष्ट होगा भाष्य में, दशपूर्ण मास यो इदम आमनायते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है। विपरीत अल्पना में लीजिए, यदि पत्नी संयाजयन कपालम अभिजुहुयात वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत तस्यैक हायनो गौर दक्षिणा तम स द्वेष्याय दत्यात इति। यहाँ बंद कर लीजिए, इति संशय, यहाँ बंद तो खैर इन्होंने कर ही रखा है, इति तत्र संशय। तो इसमें क्या है, पत्नी संयाज होते हैं तो चार मिलकर के वो पत्नी संयाज, चार को पत्नी संयाज कहते हैं,
तो उस पत्नी संयाच को करते हुए जो पत्नी के लिए पत्नी संयाच पत्नी करती है और वो देवताओं की पत्नी के लिए होता है, देवताओं की पत्नी के लिए होता है, इसलिए पत्नी संयाच मतलब वो देवता की पत्नी हुआ और यजमान की पत्नी उसको करती है। तो इसमें स्तोत्र यज्ञ प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोश में जो ये लिखा है, ये मीमांसा कोश को इन्होंने उद्धृत किया है यहां पर, इष्टि यज्ञेषु, इष्टि यज्ञों के संदर्भ में है ये वैश्वानर इष्टि, इष्टि यहां इन्होंने लिखी रखा है इसको, इष्टि यज्ञों में प्रकृति भूते हविर यागे, हविर यागानाम प्रकृति भूत जो हविर याग है उनमें तृतीय दर्शपूर्ण मास प्रकरणे तद विकृतिषु, तीसरा जो दर्शपूर्ण मास का प्रकरण है उसमें उसकी और विकृति में अन्यत्र ऐन्द्राग्न प्रकृति के, तो इंद्र और अग्नि की प्रकृति वाले हैं उनको छोड़ करके जो है उनमें निरूढ़ पशुबंध प्रकरणे सौमिकेषु पशुषु च, तो निरूढ़ पशुबंध प्रकरण हो सौमिक हो पशु हो उनमें देव पत्नी देवता का दर्शपूर्ण मासांग भूता, देवता देवों की पत्नी है देवता जिसकी, ऐसे यार देव पत्नी देवता का दर्शपूर्ण मासांग भूता जो दर्शपूर्ण मास के अंग भूत हैं ऐसे, उसमें ये वचन दिया इन्होंने सोमम यजति एक, तुष्टारम यजति दो, देवानाम पत्नीर यजति तीन, अग्निम गृहपतिम यजति इति, ये चार हुए, इति चत्वारो याग विशेषा पत्नी संयाजा इत्युच्यन्ते, ये चार विशेष याग ये पत्नी संयाज कहलाते हैं। अत्ते च पत्नी कर्तृका भवन्ति, इनको पत्नी करती है, यजमान की पत्नी इनको करती है, ऐसे उसमें और भी वर्णन है। तो वो पत्नी संयाज के संदर्भ में ये बात है। तो इसमें पत्नी उसको करती हुई जिस समय वो कर रही है पाक आदि कर रही है उसमें क्या होता है, ये कपालम अभिजुहिया, वो कपाल की ही आहुति अगर दे दे, हवि की आहुति देनी होती है वैसे तो, लेकिन उस कपाल की आहुति दे दे तो उससे असावधानी से वो कपाल ही अग्नि में डल जाए, जैसे पात्री डल जाता है कभी कभी, तो ऐसे अगर कपाल ही अग्नि में डल जाए यानी कपाल की ही आहुति दे दे ऐसा, ये त्रुटि है असावधानी है प्रमाद है इसलिए प्रायश्चित कहा। तो यदि पत्नी संयाजयन कपालम अभिजुहयात, अग्नि में डल जाए अगर उससे, तो वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वापेत, वैश्वानर देवता वाले द्वादश कपाल का निर्वाप करें। तस्य एक हायनो गौर दक्षिणा, तो एक वर्ष वाला गौ यानी कुम गौ वो वहां पर दक्षिणा के रूप में होता है, और ये दक्षिणा किसको दे, बोले तम स द्वेष्याय दत्यादिति, ये अपने शत्रु को देगा, इस स की जगह च शब्द आगे की दृष्टि से मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी मीमांसा कोश में भी स ही शब्द है, तम स, स की जगह च, वो भी आगे मैं बताऊंगा। तत्र संशय किम परिक्रयार्थम एक हायनस्य दानम उत धर्म मात्रम इति, ये कैसे देना है, परिक्रय के लिए या धर्म मात्र के लिए, इसमें देने को तो देते हैं लेकिन धर्म मात्र के लिए है, देने के लिए देते हैं, पीछे जो आप मानुषी का पुरुषी का कह रहे थे ना कि धर्म मात्र है, वास्तव में सीधे सीधे दृष्टार्थता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिया जा रहा है तो जैसे यहाँ पर है कि वो परिक्रय के लिए नहीं है, दे तो रहे हैं उसको, दे भी देंगे उसको, लेकिन वो परिक्रय के लिए नहीं है, दे भी दिया और फिर भी उसको उससे ऋत्विक कर्म नहीं करवाया जा रहा है, तो वो धर्म मात्र हुआ। भाई दृष्टार्थता तो तभी होती, वो उसको प्रयोजन में आए वो एक अलग बात है, वो प्रयोजन में आ सकता है, वो दृष्टार्थता नहीं देखी जा रही, कर्म की दृष्टि से दृष्टार्थता नहीं है उसकी। भाई आप याग में कुछ प्रायश्चित हुआ उसको दे रहे हो तो फिर उसको परिक्रय किया मतलब उसको फिर बुला करके यहाँ कुछ कार्य करवा रहे हैं, वो तो कर नहीं रहे। तो किम परिक्रयार्थम एक हायनस्य दानम उत धर्म मात्रम इति, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है दक्षिणा शब्दात परिक्रयार्थम इति, दक्षिणा शब्द है तो परिक्रय के लिए होगा, परिक्रयार्थम ही दक्षिणा शब्दो भवति, ऐसे ही देखा जाता है, पीछे दान शब्द का था दत्वा करके, यहां पर दक्षिणा शब्द को लेकर के
कह रहे हैं। अब ये अपवाद ही है उसके, ये शब्द तो होते हुए भी वो अर्थ नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। सिद्धांत कह रहा है एवं प्राप्ते ब्रूमः द्वेष्य च धर्म मात्रम दानमिति च शब्देन अनुवादिष्यते। तो जो द्वेष्य है यानी शत्रु है उसको धर्म मात्र ये दान होगा, ये च शब्द से यहाँ पर संग्रहित किया जा रहा है, अनुवादिष्यते उसको भी गृहित किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये च शब्द कहाँ पर आया है और पीछे जो वचन है उसमें च शब्द तो है ही नहीं, तो उस दृष्टि से मैं कह रहा था कि तम स द्वेष्याय दद्यादिति, तम च द्वेष्याय दद्यात, यहाँ च होना चाहिए, हो सकता है। जैसे हमने पिछले पृष्ठ पे देखा था वहां भी च शब्द का ही था ना, दूसरी पंक्ति 291 में ऊपर से दूसरी पंक्ति एवं इहापीति च शब्देन अनुवादिष्यते, च शब्द वहां पर हमारे को मिल रहा था है। अच्छा सूत्र के लिए कह रहे हैं क्या देशे च, हाँ तो सूत्र के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये तो मूल के लिए है ना, यथा पृष्ठ शमनीय परिक्रयार्थम एवं इहापी इति च शब्देन अनुवादिष्यते कामिष्टौ च दान शब्दात्। नहीं सूत्र के लिए लेंगे या वचन के लिए लेंगे, क्योंकि सूत्र देशे च सूत्र तो अपने आप में प्रमाण नहीं है ना यहां पर। अब ये तो सूत्र तो ये तो इसके पक्ष का ही हुआ, ये अपने सूत्र की रचना में चय शब्द से अगर अनुवादेश मानेंगे तो ये तो अपने को प्रमाण मानेगा, फिर तो प्रमाण तो किसी दूसरे का ही देगा। तो कहा कि द्वेष्य च धर्म मात्रम दानमिति च शब्देन अनुवादिष्यते कुतः अचोदनात् द्वेष्यस्य ऋत्विजः, क्योंकि जो ऋत्विक का द्वेष्य कथन नहीं होता है, द्वेष्य जो होता है शत्रु होता है उसको ऋत्विक के रूप में कभी नहीं लिया जाता है, वो ऋत्विक नहीं होता है। आगे भी स्वयं कह रहे हैं न ही द्वेष्य है ऋत्विक भवती, द्वेष्य जो है वो ऋत्विक होता ही नहीं है। तो अगर ये इस दान को द्वेष्य के लिए दे रहे हैं और उसको परिक्रय के लिए मान रहे हैं तो फिर तो ऋत्विक बन जाएगा वो, द्वेष्य कभी ऋत्विक होता नहीं है ये हमारे को अलग से पता है। तो ऐसे में दक्षिणा शब्द होता हुआ भी वो परिक्रय के लिए नहीं होगा, द्वेष्य कभी भी ऋत्विक नहीं होगा। तो कुछ चीजें जो होती है ना उसमें शत्रु को कभी भी नहीं किया जाता है, नट चिकित्सा कभी भी शत्रु से नहीं कराई जाती, ठीक है। जिसके प्रति संदेह हो ना कि ये क्या है तो उससे चिकित्सा नहीं कराई जाती है। अभी मैं कोटा गया वहां तो हमारे साथी हैं अरुण जी थे, वो अभी जोधपुर में है विश्वविद्यालय में थे, अभी अपना पंचकर्म का स्वयं के सोमदेव जी जाके आए थे अभी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको, आशाराम जी वहां पर हैं जेल में, तो उन्होंने कहा कि मेरी चिकित्सा इनसे करवाऊंगा मैं। उन्होंने न्यायालय में कहा, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उनके आदेश के तहत वो चिकित्सा कराने करने उनको चुना उन्होंने। देखो देखा होगा भाई किससे करवाऊं, एलोपैथी लेनी नहीं है आयुर्वेद करनी है और आयुर्वेद में भी किसको करूं, तो उनको नियुक्त किया है, अखबारों में भी आया, मेरे को तो अभी पता लगा। वो क्यों दूसरे से हर किसी से नहीं कराते, महर्षि दयानंद की चिकित्सा हुई उसके लिए अंतिम समय में जो हुई वो गलत व्यक्ति से ऐसा सुना जाता है ना, उसने और गलत गलत उल्टे इंजेक्शन दिए और बीमार कर दिया उनको, जो उचित उपचार हो रहा था उनको उस चिकित्सक को अंग्रेज अधिकारी ने हटा दिया, दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया, अपनी पसंद का दूसरा लगा दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो चिकित्सा और ये कुछ चीज़ें जो होती हैं इसी तरह से ऋत्विक बनाना, इसी तरह से उपदेश लेना, वो शत्रु से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु देगा उपदेश तो सामान्यतः स्वीकार नहीं होता, हमें पता है कि इसके मन में मेरे प्रति शत्रु भाव है, उससे उपदेश लेने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए हमें हराने के लिए हमें हमारा नाश करने के लिए उस तरह से उपदेश दे सकता है, या फिर हम वैसा ही करने लग जाएंगे, दिखने में तो लगेगा ठीक कर रहा है लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये उससे कभी भी नहीं होते हैं, तो ऋत्विक कभी भी द्वेषी व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है, और कोई नहीं है तो चलो इसको शत्रु को ही बना लो, शत्रु को कभी भी ऋत्विक नहीं बनाना। हाँ ये जो हमारा द्वेष है वो हमसे लेगा क्यों, बड़ी समस्या है, है?
वो हमसे लेगा क्यों, लेगा ही नहीं वो तो हमसे। हाँ नहीं भी ले सकता है, पर उसको परीक्षा करके ले रहा है, तो कई बार होता है ना कि ठीक है वो दे रहे हैं तो ले लेंगे, क्या बात है। अब भारत ने पाकिस्तान को धन दिया था स्वतंत्रता के समय, महात्मा गांधी के कहने पे एक बड़ी राशि दी थी है? उस समय के हिसाब से 55 करोड़ अधिक थे वो दिए थे, और वो लिए भी थे जबकि देश था, शत्रु था, लिए थे, शत्रु दे रहा है तो ले लेगा वो, लेकिन उसको लेने में क्या है, उसमें कोई हानि तो दिख नहीं रही है, वहां पर हानि तो दिख नहीं रही है, कष्ट तो इसको हो रहा है ना, इस देने वाले को कष्ट हो रहा है, वो लेने वाले को क्या है वहां पर, इसमें कोई आशंका नहीं है, वो चिकित्सा की तरह से नहीं है कि औषधि दे दी और हमारे को हानि हो जाएगी, वो तो धन ले रहा है, ये बैल ले रहा है, इसमें कौन सी हानि है, दिख रहा है कि भाई बैल है ये, बैल क्या करेगा, वो तो उसको अपने ढंग से चला लेगा। आगे तो नहीं द्वेष्य ऋत्विक भवती, आगे एक वचन दे रहे हैं, ऋत्विक आचार्य नाति चरितव्यौ इति, चरितव्यौ त जोड़ लेना इसमें, ऋत्विक और आचार्य जो हैं उनका अतिचार नहीं करना चाहिए, नाति चरितव्यौ। अब इसमें अलग अलग अर्थ ले सकते हैं कि यानी जो ऋत्विक और आचार्य होते हैं, यानी द्वेष्य को, द्वेष्य का तो अतिचार करते हैं हम, वे शत्रु है उसको हमने दे भी दिया तो भी उसका हित थोड़ा ना करेंगे, और तरीके से देना पड़ रहा है हमारे को, जैसे कई बार किसी से शत्रु से क्षमा मंगवानी पड़ जाए, मांगनी पड़ जाए ना, दो में संघर्ष हो गया, अब एक को कहा कि जाओ उनको ये भोजन दे करके आ जाओ तो उसको ले जाने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं उसके लिए क्यों लेकर के जाऊं, कोई मित्र होगा तो हाँ हाँ जी अपने आप ही लेके जाएंगे, लेकिन दूसरे के लिए का कोई है नहीं तो उसको थोड़ा ढीले ढीले से करते हैं, मना तो कर नहीं सकते, ब्रह्मचारी को कहा कि भैया उसको भोजन दे के आओ, वो कमरे में आज भोजन नहीं कर सकते, नीचे नहीं आएंगे, अब भोजन दे करके आओ, तो उसमें दिक्कत होती है ना, और कई बार लेने वाले को भी होती है कि नहीं इसके हाथ का तो नहीं लूंगा मैं, इससे मैं उपकृत नहीं होना चाहता, ऐसा भी होता है, और कई बार शत्रु ये भी सोचता है कि हाँ देखो अब आया ना मेरे लिए, लाना पड़ा ना इसको कि मना करता था मेरे, कुछ भी नहीं करूंगा, तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, बात भी नहीं करूंगा, अब बोले आचार्य जी ने कह दिया है तो लाना पड़ा ना, ठीक है ला, फिर ला के कहेगा या नहीं यहां पर रखो व्यक्ति छोटी छोटी बात में अपने अहंकार की पुष्टि करता है और दूसरे को चलाता है, जैसे उसमें उसकी विजय हो रही है, दूसरे को चलाने में विजय होती है उसकी, बड़ा अच्छा लगता है, उस तरह की प्रवृत्ति वाला हो तो वो करेगा और कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, दोनों तरह से होता है। तो इससे क्या आप ये अभिप्राय देना चाहते हो, अब जिस प्रसंग में आप बोल रहे हो इस वाक्य का क्या अर्थ जाता है, क्या वाक्यार्थ बोध होता है, भाई इस वाक्य को कहने का आपके हाथ का पानी नहीं पीते, क्या आप मन से ऐसा ही मानते हो कि ये आपको अछूत मानते हैं, या आप केवल हास्य के लिए ऐसा बोल रहे हो, ये अलग बात है, मैं भी ये दे दो आपको अछूत मानते हैं, अब अछूत शब्द एक अलग ढंग से प्रचलित है, क्या आप वास्तव में उसी अभिप्राय को कहना चाहते हैं, या आप कप जल वो ले लें इसलिए उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करवा रहे हो उनको, वास्तव में नहीं देखो क्या शब्द बोल रहे हैं और अर्थ कुछ और कहना चाहते हैं, शिष्ट लोगों की भाषा है, शिष्टाचार है, ऐसा तरीका है, बुद्धिमान लोगों का तरीका है कि क्या बोल करके और क्या तात्पर्य देते हैं, तो आप कब इनको पिलाना चाहते थे और इन्होंने नहीं पिया, अच्छा तो एक दिन मैं आपको लेकर के आऊं पानी आपके लिए आपके कमरे में, नहीं मेरे हाथ से कह रहा हूं, मैंने हाथ शब्द बोला है
पहली बात तो आपकी माने तो भी अभ्युपगम से बोल रहा हूं, तो और वैसे भी ये जो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा तो नहीं, तो लोग देने वाले देते हैं, आता है संस्था में, वो आपके लिए हो रहा है, संस्था की तरफ से व्यवस्था है, मैं थोड़ा कर रहा हूं। नहीं, आपके कारण से है वो आपके कारण से हमारे को मिल जाती है रोटी, मेरे कारण से नहीं है, गुरुकुल के लिए आती है। अब गुरुकुल के लिए आती है मतलब गुरुकुल में पढ़ने वालों के लिए आती है, तो पढ़ाने वालों को भी मिल जाती है। तो चलो जिसका भी है मैं ला करके दूं तो ले लोगे? ले लेंगे क्या? आप वहां बैठे हो कमरे में, उधर बानप्रस्थ साधक आश्रम में थे आप, और स्वामी सत्यपति जी जल लेकर के आपको स्वयं पी रहे हैं और आपको लेकर के दें, आप क्या करेंगे वहां पर? तो उनको अछूत मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये विषम उपन्यास है, विषम उपन्यास है, क्योंकि आप तो गुरु है, हम शिष्य है, और ये सब मेरा सहपाठी है। सतीर्थ्य शब्द मैंने लिखा भी था। आप सन्यासी है ना? ना, सतीर्थ्य एक संबंध मुख्य होता है। नहीं, आप विशेष हैं, वो अन्य व्यवहार भी दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप इनकी तरह ही रहते, इनकी तरह रहते, इनकी तरह आप पे भी नियम होते पूरे, नहीं है ना? मैं तो तैयार होकर आया था। है? मैं तो तैयार होकर आया था। नहीं है तो नहीं ना है, नहीं होता, आपकी कृपा है। मैंने कर रखा है, मैंने कर रखा है, मेरा दोष है ये नहीं, ऐसे ही सतीर्थ के रूप में अगर समानता का है अगर आपका तो फिर जो विशेष चीजें हैं वो आप छोड़ ही देते, अपने आप ही छोड़ देते अगर ऐसा मानते होते तो। ऐसा मानते होते आप कह तो रहे हो कि सतीर्थ है इसलिए वो कर लेना चाहिए, सतीर्थता के कारण बहुत सी चीजें करते भी हैं आपके साथ साथ, आपके साथ बैठ के भोजन कर लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ में कर लेते हैं, लेकिन आप सतीर्थ मानते नहीं है वास्तव में, तो विशेषता तो है, तो विशेषता के कारण से वो आपसे नहीं ले रहे, इसमें क्या दोष है? अब विषम उपन्यास में जो उदाहरण दिया जाता है वो शत प्रतिशत थोड़ा ना घटता है, ठीक है, वहां स्वामी सत्यपति जी के साथ अधिक अंतर में है या कम अंतर में कह रहे हो, लेकिन अंतर तो फिर भी है, उसमें ये चीजें घट सकती हैं। नहीं, केवल ये व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में ही होता हो ऐसा तो नहीं है ना, अन्यों के साथ भी होता है, अन्यों के साथ भी हो सकता है, मैंने कहा ना आप सन्यासी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने आचार्य के रूप में रहे हैं, आप पढ़ाते हैं, आपने जिनको पढ़ाया उनमें से कई उनके मित्र हैं, नहीं तो भाई हमारे मित्रों को पढ़ाया तो ये भी हमारे गुरुतुल्य हुआ। नहीं, चलो तो ऋत्विक आचार्य वो नाति चरितव्यो, ऋत्विक और आचार्य का तो अतिक्रमण होता नहीं, उनकी उपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन द्वेष्य जो है अगर उसको हमने दक्षिणा दी और वो आनत्यर्थ हुआ तो ऋत्विक होगा, जबकि हम उसका द्वेष्य का अतिक्रमण करते हैं, हम उसकी बात मानते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ऋत्विक है तो ऋत्विक की बात को का अतिक्रमण नहीं होता है, उसने जो कहा वो करना होता है यजमान को, जबकि हम द्वेष्य के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, तो उसको आनति के लिए नहीं हो सकता और वो ऋत्विक भी नहीं हो सकता है, और ऋत्विक नहीं हो सकता है इसलिए वो आनत्यर्थ नहीं है और इसलिए वो प्रदान नहीं है, वो अदृष्टार्थ माना जाएगा। तो ऋत्विक आचार्य हो नाति चरितव्य हो यदा परिक्रेतव्य नैव कर्त्रा प्रयोजनम नास्ति, जब कर्ता के लिए परिक्रेतव्य के रूप में प्रयोजन ही नहीं है कि इसको हमारे को परिक्रय करना है, तदा किम दक्षिणा शब्द करिष्यति, वहां ये दक्षिणा शब्द क्या करेगा, यद्यपि शब्दस्य नाति भारः, और कुछ भी करवा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है, अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए कि भाई वो वास्तव में ऋत्विक के योग्य दान दे रहे हैं तो उससे काम करवाएंगे क्या हम, यहां पर संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता जब द्वेष्य है, तो दक्षिणा शब्द होते हुए भी ये दानार्थ नहीं होगा, आनति के लिए नहीं होगा, शब्द का प्रयोग होते हुए भी अर्थ नहीं आएगा वहां पर ही। अपिच परिक्रयार्थे सति दक्षिणापनयः स्यात्, दूसरा दोष बता रहे हैं कि अगर इसको परिक्रय के लिए मानेंगे तो जो यहां पर दक्षिणा कही गई है उसका अपनय हो जाएगा, वो हट जाएगी। दक्षिणा क्या है,
तो आगे बता रहे हैं, चोदक प्राप्तो अनवाहार्यो अपनी येता, प्रकृति से जो प्राप्त है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इसमें अनवाहार्य पचन होता है, अनवाहार्य पाक दक्षिणा के रूप में ओदन को पकाते हैं और तृप्ति पर्यंत उसको खिलाते हैं, यही वहां दक्षिणा होती है। दशपूर्ण मास में चार ऋत्विक होते हैं तो उनको बस भरपेट ओदन खिलाते हैं, यही दक्षिणा है, अलग से कुछ नहीं दिया जाता है, उसको पकाया जाता है उनके लिए। और चावल का मतलब केवल चावल नहीं है, कुछ साथ में तो कुछ होता ही होगा खाने के लिए, घी चटनी या दाल जो भी है, तो वो उनको यही दक्षिणा होती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको दक्षिणा मान रहे हो आप, एक वर्ष वाली गऊ को बैल को, तो ये जो दक्षिणा कही गई तो प्रकृति से जो दक्षिणा प्राप्त थी उसको हटा देगी ये, तो अनवाहार्य का अपनय हो जाएगा, ये दोष बता रहे हैं। तो चोदक प्राप्त हो अनवाहार्यो अपनी ये था, तत्र चोद को बाध्य था, इससे ये अतिदेश वचन बाधित होगा, तस्मात धर्म मात्रम एक हायनस्य दानम अनऋत्विजे दातव्यमिति। तो ये धर्म मात्र जो है, एक हायन का दान जो है अनऋत्विक के लिए, ऋत्विक नहीं है यानी ये द्वेष्य है, उसके लिए देना चाहिए, ये अदृष्टार्थता है। आगे सत्रमाधिकरण, अस्थि यज्ञस्य जीवत अधिकारिकत्वाधिकरणम्। एक अस्थि यज्ञ है, अस्थि उसमें अस्थि का एक करके कुछ है, वो भी भाष्य में स्पष्ट होगा। तो वो अस्थि यज्ञ तो है तो कौन करेगा उस यज्ञ को, बोले अस्थियां करेंगी, जन लिखा हुआ है तो पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांत कह रहा है नहीं, ये जीवित का ही अधिकार है, जीवित ही करेगा, अस्थियां तो मृत हो गई हैं, वो तो जीवित नहीं है अस्थि अवस्था में। तो 47वां सूत्र है, अस्थि यज्ञो अप्रतिषेधात इतरेषां स्यात्, अल्प विराम, विप्रतिषेधात अस्थनाम। ये अस्थि यज्ञ जो है ये इतरेषां स्यात्, अन्यों का होवे, जो ऋत्विक था वो मर गया, अब उसकी जगह पे दूसरा आया है, उनके द्वारा, इसका नहीं जो मर गया है। क्यों? तो अन्यों से क्यों? क्योंकि अप्रतिषेध है, उसमें कोई विरोध नहीं आ रहा है, संगति है, व्यवहार बन जाएगा। और विप्रतिषेधात अस्थनाम, अस्थियों से तो विपरीत पड़ेगा, वो वहां व्यवहार में घटेगा ही नहीं, उन क्रियाओं को अस्थि कर ही नहीं सकती है। भाष्य, इदम आमनाए थे, ये वचन मिलता है, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यदि सत्राय दीक्षितानां प्रमीयेत तम दग्ध्वा कृष्णा जी ने अस्थीनि उपनय्य यो अस्य निर्दिष्टः तम तस्य स्थाने दीक्षयित्वा तेन सह यजेरन् तत्र संवत्सरे अस्थीनि याजयेयुः इति। बंद कर लीजिए यहाँ पर। ये वचन कहे कि यदि सत्राय संदीक्षितानां, सत्र के लिए जिनको दीक्षित हुए हैं, जो उनमें प्रमीयेत, कोई मर जाए, एक जना चला जाए कोई भी, तो कैसे करेंगे अब? तो तम दग्ध्वा, उसको जला करके यानी अंत्येष्टि करके, कृष्णा जी ने अस्थिनी उपनय्य, कृष्ण चर्म, कृष्ण मृग चर्म में उसकी अस्थियों को बांध करके, यो अस्य निर्दिष्टा, जो उसका निकटवर्ती है, संबंधी परिजन कोई भी आत्मी है, तम तस्य स्थाने दीक्षयित्वा, उसको उसकी जगह पर दीक्षित करवा देते हैं, तेन सह यजेरन, उसके साथ में यजन करें, अस्थियां भी रहेंगी वहां पर और ये उसके निकट के व्यक्ति के द्वारा करवाया जाएगा। और जो चला गया है वो यजमान था, भले ही ऋत्विक रूप में था लेकिन यजमान था, उसने भी द्रव्य का त्याग किया था, संकल्प ले लिया था ये मैं करूंगा, या दिया उसने, अब बीच में चला गया, तो त्याग किसका माना जाएगा? उसी का माना जाएगा, उसने जीते जी कर दिया है, भले ही अभी मर गया, कार्य अभी चल रहा है, दूसरा जो होगा वो कर देगा सहायता। तो तथा संवत्सरे अस्थिनी याजयेयुः इति, तो इसमें उस, तो फिर संवत्सरे, संवत्सरे का मतलब यहां सती सप्तमी है, संवत्सर के हो जाने पर यानी एक वर्ष के बीच जाने पर, अतीते संवत्सरे अतीते, ये अभिप्राय है। अस्थिनी ये द्वितीय बहुवचन है, अस्थियों को याजयेयुः, यजन कराएं उनसे, अस्थियों को यजन कराएं। अब इस पर प्रश्न है कि योयम संवत्सरे यज्ञः, तो ये जो यज्ञ संवत्सर के होने पर यज्ञ है, ससंधीयते किम अस्थनाम उत जीवताम इति, तो हड्डियों को ये करवाया जाएगा या जीते हुए व्यक्तियों के द्वारा ये करवाया जाएगा?
तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सामानाधिकरण्याद अस्थनाम इति, इसमें सामानाधिकरण्य होने से वचन में हड्डियों को वो करवाएगा। सिद्धांति पूछता है किम सामानाधिकरण्यम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है याजयते अस्थिनि कर्म भूतानि। ये जो याजयते है, याजयति इस शब्द है, क्रिया है, विधि है, उसका कर्म अस्थि है यहाँ पर, यानी पीछे ऊपर वचन देखिए तीसरी पंक्ति में, तथा संवत्सरे अस्थिनी याजयेयुः, अस्थिनी ये द्वितीय बहुवचन यानी कर्म है, और याजयेयुः यज्ञ का ये कर्म है, इसलिए इन्हीं को, इन्हीं का होगा। तो सिद्धांत कहता है ननु अस्थिनी अचेतनानि न शक्नुवन्ति स्वयं तंत्रयितुम, ये तो अचेतन है, स्वयं तो क्रियाएं कर्म कर नहीं सकते, कथम तानि क्रियायाम कर्तृणी भवेयु, इन क्रियाओं में वो कर्ता कैसे हो सकती हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते प्रयोज्यता तेषां श्रूयते, बोले उनकी प्रयोज्यता है, वो प्रयोजक है, उनके कारण से ये हो रहा है बस। ततो अन्य प्रयोजयिता रहा, उसकी प्रयोजकता है, प्रयोजयिता दूसरे हो जाएंगे, कर्म दूसरे जने कर लेंगे। त एतानी क्रियाम कारयिष्यन्ति, वो जो हैं एतानी इनको क्रियाओं को करवा देंगे, ये भले ही बैठे रहें अस्थियां पड़ी रहें। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है आह न ही अकुर्वती कारयति इति भवति, जो नहीं कर रहा हो उस पर कारयति का प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रयोजक कर्ता जो होता है तत्प्रयोजको हेतुश्च, हेतु कर्ता जो होता है वो कोई नहीं कर रहा है उस पर करने वाला नहीं होता, कर्तव्य को करवाता है, ये व्याकरण से सम्मत है, उसी को कह रहे हैं। न ही अकुर्वती कारयति इति भवति, कर्तुर ही प्रयोजको हेतु, क्योंकि हेतु जो होता है वो प्रयोजक कर्ता या प्रयोजक हेतु किसका होता है, कर्तुर ही कर्ता का ही होता है। तो वहां जो सूत्र भी है अष्टाध्यायी में स्वतंत्र कर्ता, और फिर तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत् मतलब कर्ता, कर्ता का प्रयोजक हेतु कहलाता है, प्रयोजक कर्ता या हेतु कहलाता है। तो कर्ता यानी करने वाला होगा तो दूसरा करवाएगा, या हड्डियां तो करने वाली है ही नहीं तो उनको करवाने वाला कैसे घटाओगे आप, उनको कोई करवा कैसे सकता है। तो कर्तुर ही प्रयोजको भवति, न चैतानी कार्त्स्नेन क्रियाम उपसंहर्तुम शक्नुवन्ति इति, और ये जो हड्डियां हैं ये पूरी तरह से सब कर्मों को नहीं कर सकती, हो सकता है कुछ कर्मों को आप हड्डियों से करवा लो, कुछ कर्मों को हड्डियों से करवा लो, सबको तो नहीं करवा सकते। कुछ कर्मों को कैसे करवा सकते हैं, करवा सकते हैं हड्डियों से कोई कर्म, तो उसका उदाहरण सिद्धांती दे रहा है, अच्छा चलो ये तो करवा लो लेकिन सबको तो आप नहीं करवा सकते। तो पूर्व पक्षी कह रहा है वचन प्रामाण्यात यावत याजमानम कारयितुम शक्यन्ते तावत कारयिष्यन्ते, बोले वचन के प्रमाण से भाई यजमान अन्यों के द्वारा करवाया जाना है इससे, तो जितने कर्म इनसे हो सकते हैं उतने करवा लेंगे, जरूरी तो ना सारे के सारे कराएं, वचन प्रमाण है करवाने हैं तो जो संभव है वो करवा लेंगे। कैसे, औदुम्बरी सम्मानम शुक्रान्वारम्भणम इत्येवम आदिनी, तो औदुम्बरी का सम्मान, तो यजमान संहिता औदुम्बरी होती है, जितना ऊंचा लंबा यजमान होता है औदुम्बरी भी उतनी होती है, तो उस दृष्टि से ठीक है जितनी लंबाई इनकी होगी उतनी औदुम्बरी की हो जाएगी, इसमें तो काम आ सकता है। और शुक्रान्वारम्भणम, तो शुक्र ग्रह को छूने की बात आती है, यजमान शुक्र ग्रह को छूता है तो हड्डियां भी छू सकती है ना शुक्र ग्रह को, नहीं इस क्रिया को तो कर ही सकता है ना, भी जो करवाने वाला है हड्डियों को लेकर के शुक्र ग्रह से छुआ देगा, ऐसे कुछ कर्म तो हो सकते हैं, तो जितने कर्म हो सकते हैं वो का हो जाएंगे, बाकी के नहीं हो सकते वो नहीं होंगे। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है आह प्रधानमेव न शक्नुवन्ति न अंगानि कुर्वन्ति याजमानानि भवन्ति इति, याजमानानि कर लो, यजमानानि लिखा है, तो ये प्रधान को ही नहीं कर सकते तो अंगों को करते हुए ये याजमान, याजमानानि न भवन्ति, ये यजन कराए जाते हुए नहीं होते, तो अंगों को करवाते हुए वो यजन कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, प्रधान को तो कर नहीं सकते, अंगों को करते हुए वो यजमान नहीं बन जाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते वचन सामर्थ्यात्, वचन सामर्थ्यात् तत्व द्रव्यम ऋत्विज प्रति ग्रहिष्यति, तो वचन के सामर्थ्य से, क्योंकि शब्द पढ़ा गया है इसलिए शवद्रव्यम, शवद्रव्य को, ये शवद्रव्यम द्वितीय एक वचन है, ऋत्विज ये प्रथमा का बहुवचन है, ऋत्विक लोग जो हैं शव द्रव्य को ग्रहण कर लेंगे और तद दक्षिणा परिक्रीता त्यक्षन्ति, और उसकी दक्षिणा से चूंकि परिक्रीत हैं ऋत्विक लोग
तो त्याग कर देंगे, जो देना है यानी याग करवा देंगे। ईदृशो द्रव्य त्यागो वाचनिको भविष्यति इति, तो इस प्रकार से ये जो द्रव्य का त्याग है ये वाचनिक हो जाएगा, वचन के सामर्थ्य से हो जाएगा। स्वयं तो वो नहीं देगा, मर चुका है, लेकिन वचन के सामर्थ्य से अन्य लोग कर देंगे। इसमें सिद्धांत कह रहे हैं आह एवं वर्ण्य माने याजयित्रीणाम एव कर्तृत्व उपदिष्टम भवति न अस्नाम इति, पूर्ण विराम। तो बोले अगर आप ऐसा वर्णन करते हो तो जो यजन करा रहे हैं उन्हीं का कर्तृत्व यहाँ पर उपदिष्ट हो रहा है, न कि हड्डियों का, जो करवा रहे हैं उन्हीं का कर्तृत्व आएगा। पूर्व पक्षी कह रहा उच्यते यष्ट्रीणाम एव एतेन प्रकारेण कर्तृत्व उपदिश्यते, नहीं इससे जो यजन करने वाले हैं उनका ही इस प्रकार से कर्तृत्व कहा जा रहा है। नहीं अकर्त्री कारयति इति भवति, जो कर नहीं रहा है उसमें कारयति होता ही नहीं है। अब ये बात पूर्व पक्षी कह रहा है, अभी पहले सिद्धांती ने कही थी, सिद्धांती इस तरह कह रहा था कि ये चूंकि कर नहीं रहा है तो इसलिए करवा रहा है ये बात घट नहीं सकती। ये कह रहा है कि नहीं, करवाने का चूंकि लिखा हुआ है और बिना करते हुए के हो नहीं सकता है, इसलिए करने वाला है। ठीक है, अपने अपने ढंग से वचन प्रामाण्य से भले ही करता हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन करवाने का लिखा हुआ है इसलिए ये कर रहा है ये मानेंगे। सिद्धांति ने कहा ये कर ही नहीं रहा है तो करवाने वाली बात यहां पर घटेगी ही नहीं शब्द के आधार पर। तो पूर्व पक्षी कह रहे नहीं अकर्त्री कारयति भवति हेतु कर्तृत्वम च अस्नाम यागे सति प्राप्तमेव अनुद्यते। बोले हेतु कर्तृत्व जो है हड्डियों का याग के होने पर प्राप्त का ही यहां पर कथन किया जा रहा है। यथा जैसे कि ग्राम कामम संयाजयेदिति, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, ग्राम कामम संयाजयेत, जो ग्राम की कामना वाला है उसको यजन कराए, जिसका मतलब क्या होता है? तो बोले ग्राम कामो यजेता इति विधीयते, ग्राम कामो यजेता, इसको भी विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, तात्पर्य है ये। इसका क्या मतलब है कि जो गांव की कामना वाला है वो यजन करे, जबकि वचन क्या है? ग्राम कामम संयाजये दिति, जो गांव की कामना वाला है उसको यजन कराए, इसका मतलब है गांव की कामना वाला यजन करे, ये तात्पर्य आता है। ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। तो हेतुत्वम च प्राप्तानुवाद मात्रम, जो हेतुत्व है वो प्राप्त के अनु का अनुवाद मात्र है, तच्च दर्शयति, और उसको यहां वचन से भी बताया, स्तोत्रे अस्थिकुंभम उपदधाति इति। स्तोत्रे, स्तोत्रे का मतलब स्तोत्र के हो जाने पर, स्तोत्र के पढ़ लेने पर, स्तोत्रे पठिते, ये तात्पर्य, पठिते सति, स्तोत्र के हो जाने पर, स्तोत्रे सति होना मतलब पढ़ना ही है उसका, अस्थिकुंभम उपदधाति, अस्थिकुंभ को वहां पर रखता है। तो अस्थनाम एव यजमानत्व दृश्यते, इससे पता लगता है कि हड्डियों का यजमानत्व है। तस्मात अस्थनाम यज्ञो न जीविताम, जीवताम, तो हड्डियों का ही ये यज्ञ है और वही करने वाले हैं, जो जीवित हैं उनके द्वारा ये यजन हो रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा। इस पर सिद्धांती कहता है इति प्राप्ते ब्रूमा अस्थि यज्ञ इतरेशाम जीवताम स्यात्। सूत्र में जो कहा था इन्होंने अस्थि यज्ञो अव्यप्रतिषेधात इतरेशाम स्यात्, तो इतरेशाम, इतरेशाम को ही खोला इन्होंने, जीवताम, जीवित लोगों का हो गए। क्यों? तेषाम अविप्रतिषिद्धो यज्ञ, उनके लिए यज्ञ का प्रतिषेध नहीं है। अस्थनाम विप्रतिषिद्धते, अस्थियों के साथ तो ये संगत नहीं होता है। क्यों? त्यागो नाम मनसा क्रियते न च अस्थनाम अस्थि मन, जो त्याग होता है वो मन से किया जाता है, हड्डियों में तो मन होता ही नहीं है। अब देखो एक बात कही कि त्याग जो किया जाता है वो मन से किया जाता है, हाथ से नहीं, कि बोले हाथ से देने से दान होता है तो दानदाता ने दिया, अपने सेवक को दिया, बोले वहां जाकर के दे के आ जाओ, तो देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? सेवक दे रहा है ना वहां पर दान उसका नहीं माना जाता है, भले ही वो खुश हो ले, देखो मैं दे रहा हूं, लोग भी सब उसको धन्यवाद उसी को देंगे क्योंकि वही सामने है, लेकिन फिर भी दान उसका नहीं माना जाता है। कौन, क्यों? एक तो सत्व उसका नहीं है और उसके साथ साथ उसने मन से उसने नहीं दिया है, देने वाला कोई और है, और देने वाले ने मन से दे दिया, भले ही हाथ से नहीं दे रहा हो तो भी उसी का दान माना जाएगा। देने के लिए स्वयं हाथ से देने की आवश्यकता नहीं है, मन से दान किया, चीज दे दी, ले गया, दूसरा व्यक्ति उठा के ले गया, उसने तो छुआ भी नहीं उसको,
तो मूल मन से होता है। तो त्यागो नाम मनसा क्रियते न च अस्त्राम अस्ति मनः। पूर्व पक्षी कह रहा है यद उत्तम, देखो हमने कहा था ऋत्विज, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ऋत्विज शव द्रव्यम दक्षिणाम प्रतिगृह्य तत्परिक्रीता त्यागम कुर्वन्ति इति, ईदृशो वाचनिक त्यागो भवति इति। भवति यहाँ बंद कर लीजिए। तो ऋत्विजों का शव का जो द्रव्य है, शव द्रव्य को दक्षिणा में लेकर के, शव द्रव्य को दक्षिणा के रूप में लेकर के उससे जो ये परिक्रीत है उनके द्वारा ये त्याग किया जाता है। तो ऐसा होने पर वाचनिक त्याग तो हो ही जाएगा। इस पर सिद्धांति कह रहा नहीं तदेवम अल्प विराम नहीं यजेता इत्युक्ते, लेकिन यजेता ये नहीं कहा। यजेता इत्युक्ते, यजेता अगर कहीं कहा गया हो तो इससे अशक्नुवत्सु वचन प्रामाण्याद अन्यो यज्यर्थो भवति। तो अशक्नुवत्सु वचन, वचन प्रामाण्य, अशक्नुवत्सु जो कर नहीं सकते हैं उनमें ये अगर यजेता शब्द आता है तो वचन के प्रामाण्य से, क्योंकि उसमें घटाना ही है इसलिए अन्यो यज्यर्थो भवति, और याग का अर्थ कुछ और ही होगा, ये खुद करने वाला अर्थ नहीं घटेगा। लिखा है तो कुछ अर्थ लेना पड़ेगा, संभव नहीं है तो लक्षणा में जाएंगे, अभिधा नहीं घट रही है तो लक्षणा में जाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं आगे, यागम कुर्वीत इति ही तत्वचनम, यागम कुर्वीत विपरीत अल्प विराम में, याग करे, याग को करे ये वचन है। नान्यो यज्यर्थ इति, यहां पर यज्ञ का और कोई अर्थ नहीं है। न च वचन प्रामाण्याद एतद् भवति यच्छव द्रव्यम तद्गृह्य गृह्यते, लेकिन वचन प्रामाण्य से ये नहीं होता है कि जो शव द्रव्य है उसको गृहित किया जाए। न ही तदस्थिभिर दत्तम भवति, और वो अस्थियों के द्वारा दिया हुआ भी नहीं होता है कुछ। न च असति दाने परिक्रय, और दान नहीं है तो परिक्रय भी नहीं होगा। न च गौणो अर्थो विधि शब्दात अवगम्यते, विधि शब्द से गौण अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, वहां तो मुख्य अर्थ का ही ग्रहण होता है। अन्येन ही प्रमाणेन परिच्छिन्ने अर्थे गौण शब्द संपत्यते, जब अन्य प्रमाण से किसी कारण से मुख्य अर्थ बाधित हो रहा हो तो फिर गौण अर्थ लिया जाता है। यथा गौर अनुबध्यः, अनुबंध्यः इति गो जाति विशिष्टः पशुः अनुबध्यते न वाहिका। तो गौर अनुबंध्य गाय बांधने के योग्य बांधनी थी, तो गो जाति विशिष्ट जो पशु है उसी को बांधा जाता है, नहीं न कि वाहिक, वाहिक प्रदेश के लोगों को भी गौ नाम से कहा जाता है, तो उसका ग्रहण नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अन्य प्रमाण से बाधित नहीं हो रहा है तो मुख्य अर्थ ही लिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन दूसरा वाक्य कह रहे हैं गौरयम वाहिका, बंद कीजिए विपरीत अल्प विराम में, गौरयम वाहिका इति तु संवादे वाहिके गौण शब्द प्रवर्तते, अगर ये हो गौरयम वाहिका, ये वाहिक गौ है, तो अब यहाँ पर गौ शब्द का गौण अर्थ लिया जाएगा, मुख्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। तस्मात् त्याग विधाने अन्यो यज्यर्थ स्यात्, तो त्याग के विधान में अन्य, अन्य मतलब गौण अर्थ यजी का नहीं होवे। न च अस्तनाम द्रव्यम स्वम भवति, अल्प विराम पूर्ण विराम हटा लीजिए। दूसरी और बात कह रहे हैं कि हड्डियों का अपना तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है। यत ऋत्विजो गृहित्वा, जिसको कि ऋत्विक लोग ग्रहण करके, यत का मतलब ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और ऋत्विज प्रथमा का बहुवचन है, कि यजमान लोग ऋत्विक लोग जिसको ले करके आगे गृहित्वा के बाद में विपरीत अल्प विराम से वयम अनेन परिक्रीता इति मन्येरन, वयम अनेन परिक्रीता यहां बंद कर लीजिए, कि ऋत्विक लोग उसको लेकर के कि हम इसके द्वारा परिक्रीत हो गए हैं इति मन्येरन, ऐसा वो मानने लग जाएं, ये तो नहीं होता है। तस्मात्ना कथंचन अस्थिनी यष्ट्रिणी भवंती, इसलिए हड्डियां तो किसी भी तरह से यजन करने वाली नहीं होती है। अतो न विवक्षितम सामानाधिकरण्य मिति, इसलिए यहाँ पर सामानाधिकरण्य विवक्षित नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा था सामानाधिकरण्य है, सिद्धांति ने मना कर दिया। आगे इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है असंबद्ध वचनात् अनर्थकम तरही इदम वाक्यम, बोले अगर आप ऐसा करोगे तो असंबद्ध वचन होने से वाक्य अनर्थक हो जाएगा। समान अधिकरण है आप मान नहीं रहे हो, तो सिद्धांत कह रहे नेति ब्रूमा नहीं गम्य माने अर्थे अनर्थकम भवति, जब अर्थ निकल रहा है तो अनर्थक क्यों कहेंगे उसको, कैसे? तो उसके लिए कह रहे हैं विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ततः संवत्सरे याज ये युह, बंद कर लीजिए, किस एक साल बीत जाने पर यजन कराए,
अब इसको वाक्य को तोड़ रहा है ये सिद्धांती, कैसे अर्थार्थक बना रहा है, बोले इत्येतावतो इति एतावतो वाक्यात कश्चित अर्थो अवगम्यते अल्पविराम स यह विवक्षित है, इतने से कुछ अर्थ आ रहा है। तथा संवत्सरे याजयेयुः, फिर उसके बाद एक वर्ष होने पर यजन कराएं, इस वाक्य से कुछ अर्थ आ रहा है और वही यहां पर विवक्षित है। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अस्थिनि याजयेयुः, बंद कर लीजिए, इत्येष संबंधों न विधीयते, यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि हड्डियां यजन कराए, हड्डियां को यजन कराए, हड्डियां यजन करें, हड्डियों को यजन करवावे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इति ऐसे संबंधों ने भी दिए, इस संबंध का विधान नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह किम अस्थिनी इति प्रमाद पाठ, बोले अगर ये संबंध नहीं हो रहे कर रहे हो आप, तो अस्थिनी जो है द्वितीय बहुवचन, ये अस्थिनी शब्द क्या व्यर्थ में पढ़ दिया या प्रमाद पाठ है? सिद्धांत कह रहे न च प्रमाद पाठ है ब्रूम, प्रमाद पाठ तो नहीं है। नहीं सब एव अप्रमाद पाठो यो विधानार्थो मुख्यार्थश्च, बोले कि जो विधान के लिए हो मुख्य अर्थ के लिए हो वही अप्रमाद पाठ हो, ऐसी बात नहीं है कि पूर्व पक्षी ये मानता हो कि जिसमें प्रधान अर्थ आ रहा हो, विधि जो हो रहा हो मुख्य अर्थ हो वही अप्रमाद पाठ है, यानी इससे भिन्न अप्रधान जो है जो विधि के लिए नहीं है वो अप्रमाद पाठ है, ऐसा नहीं है। प्रमाद पाठ के लिए कोई व्याप्ति नियम नहीं है इसमें, तो नहीं स एव प्रमाद पाठ हो, स एव अप्रमाद पाठो यो विधानार्थो मुख्यार्थश्च, अनुवदन अपि अर्थम लक्षणाया अपि गुरुवन वाक्य समवायम गच्छति, तो अनुवदन फिर से कहता हुआ, अर्थ को फिर से कहता हुआ, लक्षणा से भी कहता हुआ कोई वाक्य समवाय को समवाक्य में जुड़ जाता है, वो संगत होता है। अल्पविराम गच्छति के बाद अल्पविराम, पूर्ण विराम हटा लीजिए, न च प्रमाद पाठो भवति, और वो इससे प्रमाद पाठ भी नहीं होता है लक्षणा का अर्थ लेते हुए भी। तत्र अस्थिनि इत्येष शब्दो विदधत् स्वम अर्थम मुख्यया वृत्या ब्रुवन वाक्य न समवैति, तो यहां पर अस्थिनि ये जो शब्द है विधान करता हुआ अपने अर्थ को मुख्य वृत्ति से करता हुआ वाक्य से संगत नहीं होगा, वाक्य में नहीं जुड़ेगा, बस वो अभिधा से ही कह रहे हैं। अनुवदनस्तु लक्षणया समवेश्यति, और अगर उस बात को कह रहा है वो तो लक्षणा से वाक्य में संगत होगा, कैसे? तो ये पूर्ण विराम हटा लीजिए, आगे है ततः संवत्सरे याजयेयुः इति, यह विपरीत अल्प विराम में लीजिए, तो संवत्सर के होने पर उसको यजन कराए, इति जीवतः प्राकृतान वक्षति, अल्प विराम पूर्ण विराम हटा लीजिए, तो जीते हुए जो प्राकृत हैं उनका को ये कथन करेगा। तत्र अस्थि शब्दो वर्तिष्यते लक्षणया, और यहां अस्थि शब्द है वो लक्षणा से समझा जाएगा, कैसे लक्षणा से समझा जाएगा तो उसको आगे बता रहे हैं। तथा संवत्सरे अस्थिमतो याजयेयुः इति, बंद कर लीजिए विपितल, संवत्सरे अस्थिमतो याजयेयुः, संवत्सर के हो जाने पर जो हड्डी वाले हैं वो यजन कराए, वे हड्डियां तो सभी में होती हैं, अब इन्हीं के लिए क्यों कह रहे हैं कि हड्डी वाले, हड्डियां तो सभी की होती हैं, तो हड्डियों का मतलब वो जो जा चुका है उसकी जो हड्डियां हैं वो जिसके पास में है, हड्डियों वाला जो है वो यजन कराए। संवत्सरे अस्थिमतो याजयेयुः इति, पूर्व पक्षी कह रहा है केते अस्थिमंता, वो कौन है जो हड्डी वाले हैं? सिद्धांत कहता है ये तेन सह यष्टुम प्रक्रांता, जो उसके साथ साथ यजन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे, यानी सत्र जब प्रारंभ हुआ था जो उसके साथ साथ कर रहे थे वो उसके अस्थि वाले हैं। तस्मात यस्य तानि अस्थिनि, तो जिसकी वो हड्डियां हैं तई अस्थि भी स शक्यते लक्षयितुम, तो उनके अस्थियों के साथ में वो भी लक्षित किया जा सकता है, जिसकी वो हड्डियां हैं, जिसकी मतलब मृतक की, उन हड्डियों के साथ में सा मतलब वो जो मृतक है वो भी लक्षित किया जाता है। तस्मात जीविताम यज्ञ इति, तो हड्डी का मतलब हड्डी वाले मतलब वो जो उसके साथ वाले हैं, लेकिन ये करेंगे जीवित लोग ही। 48वां सूत्र है यावद उक्तम उपयोग स्यात, और जितना उसमें कर सकते हैं उतना उतना प्रयोग कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। अथा यदुक्तम अस्थनाम याजमानम दर्शयति आ की मात्रा, जो आगे पीछे वचन कहा था स्तोत्रे अस्थि कुंभम उपदधाति इति, तो नहीं तत् याजमानम, ये यजमान का कर्म नहीं है, क्यों न ही अस्थिनी यजन्ते इत्युक्तम, क्योंकि अस्थियां तो यजन करती नहीं है। अतो वचन प्रामाण्याद एतत् कर्म याजमान स्वरूपम, या कर लेना, याजमान स्वरूपम भवति, तो ये वचन के प्रामाण्य से ये कर्म
यजमान के समान हो जाता है, यानी यजमान से संबंधित जो है उसके समान हो जाता है। यावती वचनम तावती एव तत्भवितुम अर्हति, जितने में वो वचन लग रहा है उतने में ही वो हो सकता है, जहां संगत है वहीं पर ही हो सकता है। न तत्सर्वम याजमानम, आ की मात्रा जोड़ लेना, न तत्सर्वम याजमानम शक्नोति लक्षितुम, तो सर्वम याजमानम ये द्वितीय एक वचन के हैं, इनको सारे यजमान से संबंधित कर्मों को ये शब्द लक्षित नहीं कर सकता है, जो संभव है उन्हीं को हो सकता है। तस्मात जीविताम एव यज्ञेति, इसलिए ये जो याग होगा होगा तो जीवितों का, जीवित लोग ही करेंगे, हड्डी इसको हड्डियां इसको नहीं करेंगी, तो ये अधिकरण समाप्त होता है। हाँ, ये जो वाक्य ततः संवत्सरे याजयेयु, हाँ, तो एक साल तक हड्डियों को रख के फिर यज्ञ करेंगे, उसके बाद में यज्ञ को रोक देंगे ऐसा? तथा संवत्सरे याजयेयु, संवत्सर के पूरे हो जाने पर यजन कराए, यज्ञ बीच में रोक देंगे एक साल तक? नहीं नहीं, चलता रहेगा ना, वो तो लंबा चल रहा है, जितना चल रहा है तो चलता रहेगा अगर पूरा है तो, और नहीं तो रोकने के बाद में करेंगे, एक साल के पूरा होने पर ऐसा कह रहे हैं। वो किस कर्म के संदर्भ में कह रहे हैं कि भाई पूरा एक साल लगातार चलेगा या कर, ये तो इसमें स्पष्ट नहीं है मेरे को। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज का पाठ, प्रणवतम ओ साधारण अंश शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति, शांति।